जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 11th के फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो हम लोग वार्षिक परीक्षा 2023-24 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th ईयरली पेपर देखने वाले हैं। अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th ईयरली पेपर देने जा रहे हैं 2023-24 का, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में दिखने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लोगों का था, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर पहले में तो हमारा पहला प्रश्न था, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है 0, 1, 10। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट है, वायु में सीमांत वेग वी से गतिमान एक ठोस गेंद पर कार्य करने वाला स्यान बल अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन से दिए गए, तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका वी के, किसके अनुपाती होगा? अनुक्रमानुपाती होगा स्यान बल, तो वो होगा बी के अनुपाती। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था, 0 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस के दाब पी तथा इसके प्रति अंकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा ई में परस्पर संबंध है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे P=1/2 E, P=E, P=3/5 और P=2/3। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा P=2/3 E। क्या होगा? P=2/3 E, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा रह जाता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इंग्या क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आवर्त काल होता है। तो किसी कण का आवर्त काल क्या होता है? T=(2π√ विस्थापन / त्वरण). क्या होता है? विस्थापन / त्वरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, T=2π√ विस्थापन / त्वरण। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम है। क्या है? ध्वनि की चाल अधिकतम है। ऑप्शन आपको दिए गए थे वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो यहाँ पर ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर सबसे हमारा ठोस क्या है? तो यहाँ पर सबसे ठोस हमारा है स्टील। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4th वाला करेक्ट हो जाएगा, स्टील में। इसके बाद हमारा खंड बा आता है। तो खंड बा में हमसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे गतिज ऊर्जा का मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv², और इसका अगर हम लोग वो निकालें तो क्या निकलेगा? ml²t-2। क्या निकलेगा? ml²t-2। इसके बाद है, संरक्षी बल से आप क्या समझते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना था। इसके बाद था, द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? तो इसको आपने कर लिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद है, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई जानने पर घटता है। इसके बाद है, पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या अंतर है? आपको ये एक अंतर इसमें लिखना था, एक नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको इसमें एक नंबर का ही अंतर यहाँ पर लिखना था। तो पलायन वेग और कच्ची वेग में आपको अंतर लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन्नादि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। क्या है? सन्नादि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि सन्नादि क्या होते हैं, उसको आपको उदाहरण के साथ समझाना था। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आता है, यानी कि खंड श आता है। तो खंड श में हमसे
दो दो नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, स्टील का गुणांक आपको दिया गया था 19×10^11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए। तो इसे आपको डाइन प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना था, तो इसकी वैल्यू क्या है, डाइन में भी सेम टू सेम रहेगी 19×10^11 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भी सेम वैल्यू रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परतः घूमना बंद कर दे तो विषुव तल में किसी स्थान पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए पृथ्वी 6×6.4×10^6 मीटर प्रति त्रिज्या का गोल है, तो इसमें आपको कुछ थोड़ी भाषा लिखनी थी और कुछ इसमें करना नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो क्लैंपों के बीच तने तार का ताप बदलने पर क्लैंपों पर आरोपित बल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि सूत्र स्थापित आपको करना था, यानी कि दो क्लैंप लगे हों और उनके बीच जो आरोपित बल है उसके आपको सूत्र व्युत्पन्न करना था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, क्या होती है अवोगाद्रो संख्या क्या होती है और इसका क्या महत्व है, ये आपको बताना था। इसके बाद हमारा खंड दा आ जाता है, यानी कि सेक्शन डी आ जाता है। तो सेक्शन डी में आपको पहला क्वेश्चन था, तीन नंबर में आपका था सवाल, यदि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है तो ए व बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीन नंबर में सवाल था और कोण आपको यहाँ पर निकालना, तो सिंपल क्वेश्चन था नहीं, तो इसका आप लोग नोट करिए, थीटा का आपका कितना आया होगा, थीटा बराबर आया होगा कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, क्या होगा अपॉन टू ए बी, इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। इसके बाद था, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, क्या है, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यदि दो पृष्ठों के बीच घर्षण कोण 30 डिग्री हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, क्या करना था, स्थैतिक घर्षण गुणांक निकालना था। तो यहाँ पर यूएस कितना आ जाएगा, यूएस आ जाएगा 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3, यानी कि स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसके बाद था कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध कीजिए, क्या करना था, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट था, भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, उपयोगिता लिखिए, क्या करना था, भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता आपको यहाँ पर लिखनी थी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, यदि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.8×10^5 किलोमीटर है, गणना कीजिए कि चंद्रमा किस चाल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10^24 किलोग्राम है तथा जी की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई थी। इसके बाद खा इसी में क्वेश्चन आपको तीन नंबर में देखने को मिलता है, एक स्टोक्स का नियम क्या है, इसके द्वारा श्यान द्रव में गिरते किसी ठोस के गोले का सीमांत वेग ज्ञात कीजिए। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, मेयर का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए, यानी कि मेयर का आपको सूत्र लिखना था और उसमें जो जो संकेत प्रयुक्त हुए उनके आपको अर्थ समझाने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति के वेग का सूत्र लिखिए, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, फाइंड फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको यहाँ पर सूत्र डिराइव करना था। इसके बाद इंग्या क्वेश्चन इसी नंबर में तीन नंबर में आपको दिख जाता है, मुक्त दोलन प्रणोदन दोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि मुक्त दोलन तथा प्रणोदित दोलन में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना था, यहाँ पर मिनिमम आपको तीन अंतर तो कम से कम लिखने थे। इसके बाद नेक्स्ट है, लाप्लास संशोधन क्या है, यदि जल का आयतन प्रस्थानता गुणांक 2.0×10^9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तथा घनत्व 1.0×10^3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो जल में ध्वनि की चाल होगी। नोट कर लीजिए, जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी, 1.414×10^3 मीटर प्रति सेकेंड होगी। इसके बाद अथवा में अगर आपको ये नहीं करना था आप तो दूसरा वाला कर सकते थे, अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए किसी बंद ऑर्गन पाइप में विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं, तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विषमंद आवृत्ति क्या है, 256 हर्ट्ज तथा 260 हर्ट्ज तथा आवृत्ति के दो चरित्र एक साथ कंपित करने पर 1.5 सेकेंड में बनने वाले विषमंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्या कितनी होगी, तो संख्या होगी यहाँ पर 6 होगी, कितनी होगी, विषमंदों की संख्या होगी 6। अथवा आपको दिया गया था अथवा में, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आया तो आप नीचे वाला कर सकते थे, कालांतर तथा पथांतर में संबंध स्थापित कीजिए, यानी कालांतर और पथांतर में क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर स्थापित करना था। इसके बाद हमारा
लास्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस का अर्थ से आप क्या समझते हैं? केस नली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, अधिक दाब क्या है? द्रव के बूंद के भीतर अधिक दाब की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना था। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है, ऊष्मा स्थानांतरण किसे कहते हैं? विधियां लिखिए। दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़कर संपर्क तल का ताप ज्ञात कीजिए। अथवा आदर्श कृष्णिका क्या है? इसके आधार पर स्टीफन का नियम लिखिए। न्यूटन के शीतलन नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना था? दोनों में से कोई एक यहाँ पर अथवा में आपको करना था। तो इस प्रकार ये आपका क्लास इलेवंथ का पूरा पेपर का सोल्यूशन हो जाता है। आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया हो, आइए क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।